स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। पहला ये बताओ कि
ये होता है मैग्नेटिक उपकरण, सही हो जाएगा।
कौन सा टर्म? एम से एम तो उड़ गया और कितना? अच्छा ए की पावर माइनस वन से प्लस वन की उड़ गई, खत्म हो गया। अच्छा तो बचा क्या हमारे पास? एल टू बचा और ये देखो ए की पावर माइनस वन बचा और बी के कितना बचा? बी की पावर माइनस और ये बी की पावर माइनस वन और बी की पावर माइनस वन जाएगा क्या बचा? एल एल टू डाइन से टू ए जाए। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी लिखी है ये क्वांटिटी क्या है? ये एल टू डायमेंशन एरिया। गया है कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स की कंडक्टेंस
لگتار بھارت کا یاد ہے تو کام کرتے ہو وہ پتہ ہوگا ڈی ٹو اے یہ ہوتا ہے ڈی کی ڈائمینشن ابھی نکال لیتے ہیں ہم نے کیا نکالی ایم ڈی مائنس ٹو اور اے مائنس ون یہ ہو گیا تھری اور ایریا کی ڈائمینشن کیا ہوگی ایل ٹو اے کون کر ایم ایل ٹو ڈی مائنس ٹو اے مائنس ون ایک سو تیس طرح سے کوئی ڈائمینشن
زندہ ہونے کا ہی لائسنس ہے تو نہیں کوئی بھی لائسنس نمبر نمبر ریکمنڈیشن سی او لے کر کے فون نمبر جیسے انڈر روٹ
ये होता है अंडर रूट टी और अपॉन में न्यू, अंडर रूट वन अपॉन अंडर रूट न्यू डॉट और अच्छा रहता टी अपॉन टी। ये सब जितने हम पूरे लेते हैं ये सब के डायमेंशन के और इसकी डायमेंशन होती है वेलोसिटी की एल टी माइनस वन। ये सवाल तो बहुत ही सजा कर वन अपॉन क्यू नॉट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कई दफा पूछा गया सही है बस इसको थोड़ा पता होना चाहिए क्या है। अब ऐसे लिखते नहीं कि हम बोलेगा क्यू नॉट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की पावर माइनस पांच की डायमेंशन आप तुम्हारा जवाब तो रोक दिया जाएगा आप पूछा था माइनस सात और ये सब आप क्यू नॉट निकालो मुझे अपने आप लगाया और यही कर रहा हूँ और तुमको अगर मालूम है कि स्पीड होगी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो फिर सही है तो इस तरीके से सवाल ये कम देखा बड़ी क्वांटिटी कम क्वांटिटी